गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा महादेव की कृपा से एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज का व्लॉग में एक दो दिन बाद शूट कर रहा हूँ, तो एक दो दिन में बारिश बहुत अच्छी हुई है और मैंने सोचा था बर्फबारी होगी, हालांकि बर्फबारी तो हुई थी, देखो अभी भी देख सकते हो 2-4 इंच हुई, उसके बाद उसमें बारिश आ गई और पीछे की चोटियां देख सकते हो आप लोग बिल्कुल सफेद हो रखी है। उसके बाद बारिश आई और सारा बर्फ खत्म। तो आज का व्लॉग भी हम शुरुआत करते हैं। तो क्या करेंगे, आज मैंने अभी मेंटेनेंस सुबह ही कर दी थी डेडलॉक की, तो मैंने आज अभी ऐसे ही खुले रखे हैं काफी टाइम बाद, तो मैं ऐसे ही खुले रखे हैं। अभी मैं क्या आया हूँ, यहाँ से महादेव के दर्शन करते हैं और घूमते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या होता है चारों तरफ। देखो उस साइड भी बाहर बर्फ की चोटियाँ बर्फ से भर चुकी है, थोड़े हाइट पे है यहाँ से, लेकिन इस बार यहाँ पे अभी बर्फबारी नहीं हुई, बारिश ही हुई। अब पता नहीं कब तक होती है, कोई पता नहीं है। अभी 8 बज चुके हैं, एक मैंने पुराना वीडियो अपलोड किया आज, क्योंकि मैंने व्लॉग तो शूट किया नहीं था, तो सोचा उस पुरानी वीडियोस 2-3 वीडियोस और पड़े हुए हैं मेरे पास अपने डांस के भी, वो भी डालूंगा। तो वो भी यहाँ से श्रीखंड महादेव के दर्शन करते हैं, हालांकि शायद अभी बादल हैं तो अभी परे जाते हैं, तो वहाँ से फिर आप लोगों को श्रीखंड के दर्शन कराते हैं। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखना, आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। मिस करने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम क्या मिल रहा है, मैं जा ही नहीं रहा हूँ रामपुर, तो रामपुर जाना पड़ेगा मेरे को मेंटेनेंस करने के लिए, तो देखते हैं कब जाता हूँ। और फिलहाल तो अभी मजे कर रहे हैं हम लोग, और आज क्या करते हैं पूरे दिन भर, अब मन आता हो ना अभी बाद में तो हम कहीं ना कहीं घूमने तो ज़रूर जाएंगे। चलो अभी क्या करते हैं देखते हैं, अभी तो मैं पहले परे जाऊंगा और महादेव के दर्शन करके आऊंगा एकदम मस्त तरीके से। तो चलते अभी परे और वहाँ से श्रीखंड महादेव के दर्शन कराते हैं और कैसी बर्फबारी हुई है वहाँ पर भी देख के आते हैं। और यहाँ मैं तो उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश या बर्फ़ आएगी, बट बारिश तो आई पूरे दिन और बर्फ़ भी आई थी, लेकिन उस बारिश ने बर्फ सारा ले गया। तो अभी हम परे जाएंगे और महादेव के दर्शन करके आते हैं, चलो फिर चलते हैं वहाँ तक। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे और आप लोग पार देख सकते हैं एकदम मस्त तरीके से, यहाँ से इस तरह से नहीं दिख रहा, मैं बैक कैमरा करके आप लोग को दिखाता हूँ, इतना मस्त है। हालांकि यहाँ भी आना चाहिए था बर्फ, अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इस वजह से शायद बर्फबारी भी कम हो रही है धीरे धीरे, तो पेड़ पूड़ काटना बंद करो आप लोग और आग लगाना जंगलों में। तो अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है तो आप लोग पहले इसका व्यू लो, फिर बताता हूँ मैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ देख सकते हो मॉर्निंग का व्यू, हर हर महादेव, वहाँ पे श्रीखंड महादेव तो बिल्कुल बर्फ की चादरों में ढके पड़े हैं और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हुई। और ये देख सकते हो आप लोग पार शिकारी माता और श्राईकोटी माता तो बिल्कुल ढक चुके हैं बर्फ से, काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है, बिल्कुल मस्त। तो गाइस अभी दर्शन तो कर लिए है, आज शुरुआत कर लिए है हम लोगों ने महादेव के दर्शन करके, तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से घर की तरफ और वहाँ जाके चाय पियेंगे। और अब देखते हैं क्या करते हैं, मैं एक तो अभी बादल हो चुका है, धूप भी नहीं आई है, 9 बज चुके हैं आज, शायद बादल बादल है मौसम और ठंड काफ़ी हो चुकी है। बट धीरे धीरे ऐसा होता है कि धीरे धीरे अगर आप लोग कहीं पे रहना शुरू कर दो, चाहे विंटर में रहो चाहे गर्मी में, तो आदत सी हो जाती है। तो हम लोगों को जो सेप्टेम्बर मंथ होता है, सेप्टेम्बर अक्टूबर, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि गर्मी से एकदम ठंड में कन्वर्ट हो रहा होता है मौसम। तो अभी फिलहाल उतनी आदत हो चुकी है कि हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं इजी तरीके से। तो इसी तरह से कुछ यहाँ के नज़ारे हैं, अब हवा भी चल पड़ी है यहाँ पे, अब मैं जाता हूँ घर पे और वहाँ जाके चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते, तो दिखाते रहेंगे आपको डेली का रूटीन क्या होता है और बनी रहिएगा इस तरह से व्लॉग में। थैंक यू सो मच इसके लिए। गाइस आप लोग देख सकते हो वहाँ पे नारकंडा की चोटियाँ बिल्कुल बर्फ से भर चुकी है, शायद आई थिंक नारकंडा तो बिल्कुल बंद हो चुका होगा क्या हमारी चोटियाँ। और देखो धूप कहाँ लगी है नीचे, यहाँ तो लगी नहीं रही है, एकदम सूर्य की रोशनी उधर पड़ रही है। और हमारे अगर यहाँ से देखा जाए हवा चल पड़ी और ठंड इतनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारी चोटियों में भी बर्फ लग चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी मस्त तरीके से, पर कल सुबह तक की मॉर्निंग में पूरा इधर भी ऐसे ही भरा पड़ा था, लेकिन बारिश आने के कारण ख़त्म हो चुकी है और कुछ इस तरह से भी हुआ है। गुड आफ्टरनून गाइस, सभी बज रहे हैं दिन के 1 और अभी मौसम हो चुका है बिल्कुल साफ, अभी तक हवा चल रही थी, हालांकि अभी कल से फिर से मौसम खराब है, बट अभी धूप लग चुकी है बहुत अच्छी। तो मैंने 2 बाल्टी कपड़े धोए थे, वो सुखाने को डाल दिए, अभी मस्त करके धूप सेक रही है और बहुत ही मस्त धूप लगी है चारों तरफ, 2 दिन बाद धूप लगी तो धूप का आनंद दे रहे। अभी यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ खेत में, तो अब जाऊँगा मैं रूम पर थोड़ी देर बाद, अभी तो काफ़ी धूप सेकूँगा,
के बाद जाऊंगा। इसी तरह से आज का दिन भी हमारा खत्म हो जाएगा शायद धूप सेकते सेकते। तो गाइस ये मेरी बिल्ली देख सकते हो आप, पत्नी कहाँ से जंगल से आई थी, बट ये हमने खाना दे दे कि इसको अपना बना लिया। अब ले 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 आजा आजा आज मैं बिल्लू आजा आजा आजा। तो जानवरों से प्यार करिए आप लोग भी, तो आपके हो जाएंगी अभी मेरी बिल्ली पटेगी। मैं जा रहा हूँ। हे गाइस कैसे हो आप सभी लोग, ये है नेक्स्ट डे और उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसे हमारा दिन बोरिंग सा चला गया, ज़्यादा काम तो होता नहीं आजकल सर्दियों में। आज भी बिल्कुल मौसम ख़राब है, कल परसों और दो तीन दिन और बारिश या बर्फबारी थी है। पता नहीं शायद ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से अब स्नोफॉल भी कम होती है। हालांकि अब स्नोफॉल की जगह बारिश हुई थी, अब पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी कोई पता नहीं है। तो इसी तरह से और ठंड काफ़ी है यहाँ पे और बहुत अच्छी है, अभी बिल्कुल बादल हो चुका है। मैं आपको अरे परे का व्यू दिखाता हूँ, तो बहुत ही औसम बना है, तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो उसको देख के, हम लोग तो मजे ले ही रहे हैं। और एक ने कमेंट किया था मेरे को कि विंटर और कंटेंट ही कंटेंट तो बहुत मज़े होते हैं, आप लोग भी कभी विंटर में आओ। बादल देखो ऊपर, ऐसा लग रहा है कि अब भी आ जाएंगे नीचे और अब भी बरसेंगे, बट हालांकि आज बरसेंगे नहीं है, कल की तैयारी कर रहे हैं। और हवा भी ऐसी चल रही है बिल्कुल ठंडी वाली, कुछ इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे मौसम। तो गाइस कुछ इस तरह से हुआ है मौसम और बहुत ही मस्त बना हुआ है, तो आप लोग भी ऐसे आनंद लो। मैं अभी नहा के बिल्कुल पूरे ट्रैक में उतर चुका हूँ और ये मेरा फेवरेट ट्रैक है, तो इसको पहन के अभी मैं घूम रहा हूँ और बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है चारों तरफ से और मैं इसका इंजॉय कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे इंजॉय करो। और आजकल तो कुछ होता नहीं है, चारों तरफ देखो तो बंदर ही बंदर है। वो लोग भी जो खेतों में हल्का हल्का घास होता है हरा हरा बचा हुआ, उनको खाने आते हैं और इस तरह से पूरा दिन चला जाता है उन लोगों का भी। और सर्दियों का ऐसे ही होता है, जिसने जिसने कटिंग कुटिंग करनी हो वो कटिंग कर लेता है, इसी तरह से पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ से चढ़ूंगा ऊपर रोड की तरफ और रोड में जाऊँगा घूमने। तो गाइस मैं घूमते घूमते आ गया था अभी स्कूल की साइड और यहाँ से मैं अभी घूमते हुए आ रहा हूँ। और तो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, इन झाड़ियों में चिड़िया ही चिड़िया है जो नीचे दाने चर रही है, कुछ भी कर रही है, तो बिल्कुल मस्त तरीके से बिल्कुल चारों तरफ। हाँ अगर हम लोग इनको नहीं मारेंगे या इनको भगाएंगे नहीं तो हम लोग उससे भी नहीं डरती है। मैंने काफ़ी देखा है इनको, एक सौ चार लोग इधर पूरी चारों तरफ चिड़िया ही चिड़िया है जो कि मस्त करके चल रही है, इनको कोई खौफ नहीं है कोई, क्योंकि अभी हम मार नहीं रहे। अगर इनको हम मारेंगे तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, डर जाएंगे और भाग जाएंगे, तो इनको तो मत ही मारना आप लोग भी। और मैं तो मस्त इन्जॉय कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ चारों तरफ। हेलो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे रोड में। तो आज के व्लॉग में तो कुछ था नहीं ज़्यादा कुछ, मैं मूवी देख के आ रहा हूँ एक, और आजकल दिन ऐसे ही कट रहे हैं बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत ही क्या बोलो अब ऐसा मौसम बना है। आप लोग एक बार मौसम देखो, ये मौसम देखो आप, बिल्कुल काले बादल जैसे बरसात का मौसम है, अभी बरस जाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरह का मौसम बना है और मैं घूम रहा हूँ अभी रोड में, पार बर्फ की चोटियाँ देख सकते हो आप, बिल्कुल मस्त शांत और बादल ही बादल घिरे पड़े हैं। तो आज का व्लॉग में कुछ था नहीं, स्नोफॉल होगी तो उसमें अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे और कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मिलेगा। और आप लोग भी सीखते रहो, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे दोस्त हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिल रहा होगा और कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा होगा। कुछ ऐसी घट रही है आजकल हमारी लाइफ, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग बोलो चाहे कुछ भी वीडियोज़ बोलो। देखो आप पीछे का व्यू देखो आप, क्या ही मस्त अल्टीमेट लग रहा है और मैं बिल्कुल सुकून से घूम रहा हूँ यहाँ पे। उम्मीद करूँगा आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। लाइफ इसी तरह से है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कभी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लाइफ दिन रात की तरह है, कभी दिन लंबे तो रात छोटी, कभी रात लंबे तो दिन छोटे, इसी तरह से जीना। और अच्छा बुरा तो आते रहेगा, उनसे फेस करते रहूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस नए साल में कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे। 2021 मेरे लिए उतना सही नहीं बोलूँगा मैं अपने लिए, क्योंकि बहुत रीज़न है वो आप लोगों को धीरे धीरे मैं बताऊँगा। तो 2022 आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, उम्मीद करूँगा, मैंने भी बहुत कुछ सोचा है, उम्मीद करूँगा कि वो पूरा कर पाऊँ। ऐसा नहीं कह करूँगा कि मैं पूरा कर लूँगा, बट
ट्राई रहेगा, पूरा अपनी तरफ से 100% देना पड़ेगा। तो इसी तरह से पूरा कर सकते हो आप लोग भी, उम्मीद करो कि पूरा कर पाओगे। और ज़्यादा कुछ तो था नहीं इस वीडियो में, और आगे बढ़ो, ये जर्नी है, इस धीरे धीरे इसको, इस लम्हे को आगे जियो और जीवन के हर एक पल को जियो और मस्त तरीके से जियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और अच्छी और फ्रेश वीडियो के साथ।